बताशा खाने के लिए हम प्लाजा जा रहे हैं और ये है हमारी प्यारी सी भोली भाली सी मम्मी और ये है नोटी सी श्रेष्ठा। बुक्स ले ली। नोटी वाली श्रेष्ठा थी वो हमारी और बहुत ही अच्छा जंगल है यहाँ पर, बहुत ही फ्रेश एयर आती है। बनो कटहल की मान, कटहल की मान फ्रेंड्स रात के 8 बजने वाले हैं और बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए हैं तो यही सीन चल रहा होगा। बस बेटा लग जाएगी, बस आराम से आराम से। अभी अगले हफ्ते फिर से स्कूल खुलने वाले हैं तो मैं सोचती हूँ कि क्या रोकूं क्या डांटूं। हमारे जमाने में तो 2 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो अप्रैल में स्कूल खुल जाते हैं और उसके बाद फर्स्ट टर्म एग्जाम्स के बाद फिर थोड़ी दिन की छुट्टी मिलती है। बेटे दूसरे हाथ में फोन है, बच्चे कब इतने बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चला। मतलब अभी भी मेरे लिए छोटे बच्चे जैसे ही हैं, क्योंकि जितने चिपकू ये जब बहुत छोटे थे तब थे, आज भी उतने ही है। मैं ये आशा नहीं कर सकती कि मैं दूसरे रूम में जाके कुछ काम कर लूँ या कुछ, मैं किचन में भी जाऊँगी तो मेरे बच्चे मेरे पीछे रहेंगे। जब मैं आटा गूंथूंगी तो मेरी छोटी बेटी आटा गूंथती है, बड़ी बेटी उसे आटा गूंथने का उतना शौक नहीं है, लेकिन हाँ वो भी मेरे साथ किचन में ही रहेगी। हाँ नॉन गैस, बस बस बस। तो मैंने सोचा कि एग्जाम्स ओवर हो गए, रिजल्ट भी आ गया। हाँ हाँ क्या बेटा, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको बता सकती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। मैथ में आए 100 और इंग्लिश में आए 100, इंग्लिश में आए 100, फिर हिंदी में आए 99 और कंप्यूटर में आए 98 और जीके एंड मॉडर्न साइंस में आए 50 आउट ऑफ 50। वेरी गुड। और MIL में आए 36 आउट ऑफ 50 बेटा, कोई बात नहीं है। ऐसे मीन्स इसी साल इंट्रोड्यूस हुई है और मुझे तो मतलब दीदी को पता है पढ़ना लिखना भी नहीं आता, 25 है तो उसके लिए तो और कठिन था ना, क्योंकि वो क्लास 4 में थी। तो कोई बात नहीं, हम लोग मतलब इतना कोई इश्यूज नहीं बनाते। तो अब मैं खाना बनाने जाऊंगी, इनके पापा तो 10 बजे तक कहेंगे। मैं सोच रही थी कुछ सीरियस सा कुछ व्लॉग बनाऊंगी, बट वैसे आजकल यूट्यूब पे मतलब कुछ भी सोचो बनाने के लिए सब लोगों ने पहले से बना के डाला हुआ है। मैंने कुकिंग सीरीज शुरू की थी लेकिन वहाँ संजीव कपूर जी से लेके तरला दलाल जी के, बस मतलब जो सूरज चांद है फील्ड के, उनके सामने एक छोटा सा दिया क्या मायने रखेगा। और ऑर्गेनाइजेशन पे भी, होम ऑर्गेनाइजेशन पे भी बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए हैं वीडियोस। हम लोग गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते हैं, ठीक ठाक है, बस ठीक ठाक मैनेज कर लेती हूँ। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं,
तो मैंने सोचा कुछ ऐसे ब्लॉग्स बनाए जाएँ जो यूनिक हो, मतलब हर किसी की लाइफ यूनिक होती है और बच्चों को अच्छा लगेगा जब वो बड़े होंगे तो उनके बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता, क्या चल रहा था। बस ओके ओके, अब मैं जाती हूँ खाना बनाने। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।